दोस्तों ई लर्निंग आधार एनरोलमेंट एक ऐसा एनरोलमेंट जिसमें आप आधार ऑपरेटर बन सकते हैं और आधार ऑपरेटर बनके आप अच्छी खासी सर्विस देकर अपने कस्टमर से एक अच्छा इनकम जनरेट कर सकते हैं। ई लर्निंग UiDAI एनरोलमेंट करने के लिए सबसे पहले आपको ई लर्निंग की वेबसाइट पे जाना होगा, जिस पे मैंने कंप्लीट वीडियो भी बनाया हुआ है और आपको बताया हुआ है कि कैसे इनरोलमेंट करते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको दो दिन से एक ऐसी प्रॉब्लम आ रही है कि ई लर्निंग आधार पोर्टल में आप जब अपना यूजर आईडी पासवर्ड डाल रहे हैं तो इनवैलिड बता दे रहा है। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने कई बार ट्राई किया है और ट्राई करने के बाद यहाँ पे इनवैलिड बता रहा है। और इनवैलिड बताने के बाद दोस्तों जब मैंने फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन सेलेक्ट किया तो वहाँ पे मेरे पास एक ईमेल आईडी आई और वो ईमेल आईडी यहाँ पे जो आप देख रहे हैं शो कर रही है वो कुछ इस तरह की है। और यहाँ पे दोस्तों मैंने कितनी बार ट्राई किया है लेकिन वो इनवैलिड बता रहा है। तो इसमें कई तरह की प्रॉब्लम भी है। अगर आपने पहले से यूजर आईडी पासवर्ड बना लिया है तो आप खुद भी चेक कर सकते हैं, इसमें प्रॉब्लम आ रही है अभी। और यहाँ दोस्तों बात करें अगर एग्ज़ाम देने की, तो एग्ज़ाम देने में दोस्तों इसका सर्वर जो है वो बहुत ही स्लो चल रहा है। बाकी सर्वर पर मैं कुछ भी इंटरनेट से ट्राई कर रहा हूँ तो वो फटाफट ओपन हो जा रहा है। और यहाँ पे ई लर्निंग UiDAI पोर्टल बहुत ही स्लो चल रहा है। और दोस्तों UiDAI की तरफ से अभी भी कोई भी अपडेट नहीं आया हुआ है ये प्रॉब्लम क्यों हो रही है, जबकि मैंने मेल किया हुआ है। जैसे ही आप मेल पे क्लिक करेंगे और मेल डालेंगे कि आपकी यूज़र आईडी और पासवर्ड काम नहीं कर रहा है तो आपको वहाँ से भी कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है। मैंने कई बार यहाँ पे मेल किया हुआ है और कोई भी रिप्लाई आया नहीं है। इस पर कोई भी अपडेट आएगी ई लर्निंग पोर्टल से रिलेटेड तो मैं आपको बताऊँगा। और अगर आप चाहते हैं न्यू रजिस्ट्रेशन करना तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप देख के उसे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं।